स्वागत है आपका मिनी सही एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह हरी। अब देखते दिन भर की खास खबर। श्री रामचंद्र न्यास के गठन को मंजूरी व वन गमन पथ का होगा विकास। कैबिनेट बैठक में हुआ फैसला। नगर के प्रबुद्ध जनों ने रखी अपनी बात। पटवारी संघ ने अपनी समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। पटवारी संघ टीम रही मौजूद। और ग्राम धनोरा बेरखड़ी में दो पक्षों में हुआ विवाद। फायरिंग की घटना में शामिल रहा जिला वदर आरोपी। सिविल लाइन टीआई ने कही कानूनी कार्रवाई की बात। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया कि श्री रामचंद्र न्यास के गठन को मंजूरी और वन गमन पथ का विकास होगा, लेकिन विदिशा शहर को नक्शे से बाहर रखा गया, जिसके चलते नगर के धर्मगुरु साहित्यकार और जानकारों से हुई चर्चा। इस संबंध में उन्होंने अपनी बात मीडिया के समक्ष रखी, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएँ व्यक्त की हैं। चरण तीर्थ के पुजारी संजय पुरोहित ने बताया कि पुष्कर महत्व प्रकाशन, जो कि राजस्थान से प्रकाशित होती है, उसमें साक्षर प्रमाण दिए गए हैं कि भगवान श्री राम का आगमन हुआ था। उसके बाद भी विदिशा की पावन धरा चरण तीर्थ धाम को नहीं जोड़ा गया। सरकार ने कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लिया है कि वन गमन पर जब रामचंद्र जी गए थे, उनका न्यास का गठन किया उन्होंने, लेकिन सवाल यहाँ पर यह था कि बैतवा का जिक्र नहीं किया, जबकि बैतवा में एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री राम यहाँ पर आए थे। चरण तीर्थ धाम के नाम से उनका इतिहास में लिख है और उनकी प्रसिद्धि पूरी दुनिया में, इस बात की ख्याति भी है, लेकिन उसका जिक्र नहीं किया गया। इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैं मध्य प्रदेश प्रांति पुजारी महासभा का अध्यक्ष संजय पुरोहित और पुजारी चरण तीर्थ मंदिर विदिशा, जहां भगवान श्री राम के चरण चिन्ह अंकित हैं, हमारी आस्था का बहुत बड़ा विषय है। विदिशा ही नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश, पूरे भारतवर्ष में इस बात को जाना जाता है कि भगवान श्री राम विदिशा नगर के चरण तीर्थ धाम पर आए, वहाँ उनके चरणों का पूजन होता है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि वर्तमान में राम मन पदगमन में उनका नाम नहीं जोड़ा गया, लेकिन ये सैकड़ों वर्षों से कहानियों की किंवदंतियों के माध्यम से सिद्ध होता, हमारे पूर्वजों के माध्यम से हम सुनाए कि भगवान श्री राम वहाँ आए हैं, वहाँ उन्होंने अपने पिता का श्राद्ध किया है। चवन ऋषि की आज्ञा से, मार्कंडेय ऋषि की आज्ञा से उन्होंने अपने पिता का श्राद्ध किया और जो ब्रह्मकुंड बना हुआ है वहाँ चवन ऋषि मतलब चरण तीर्थ पे, उसमें उन्होंने स्नान किया है, क्योंकि माँ बैत्रवती में स्नान करने से ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिलती है। तो प्रभु ने जो है रावण का वध किया था, चूँकि रावण सामाजिक रूप से जो है ब्राह्मण था, इसलिए उन्होंने उसका प्रायश्चित वहाँ किया और अपने फिर पिता का श्राद्ध मार्कंडेय ऋषि की आज्ञा से किया है। उन बहुत स्पष्ट पुष्कर महत्व की एक पुस्तक है जो राजस्थान पुष्कर से निकलती है, उसमें स्पष्ट वर्णन है कि भगवान श्री राम विदिशा नगरी में पहुँचे हैं, वहाँ दो पर्वत, ऋक्षवान पर्वत और यज्ञ पर्वत। ऋक्षवान माने पेड़ जैसा वृक्ष, वो जो है लोहांगी है, और यज्ञ पर्वत उदयगिरी को कहा है। इन दोनों को पार करके वो विदिशा पहुँचे हैं उस स्थान पर, और उन्होंने मार्कंडेय ऋषि जी की आज्ञा से वहाँ उन्होंने जो है अपने पिता का श्राद्ध किया है। आज भी हजारों लाखों जनमानस की आस्था का केंद्र चरण तीर्थ है और उसको वन पद गमन में जोड़ना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि वहाँ से थोड़ी सी ही दूरी पर त्रिवेणी श्री रामचंद्र जी का मंदिर है। वहाँ राम और लक्ष्मण की भव्य प्रतिमाएं जो स्वयंभू हैं वहाँ से निकली हैं और वहाँ त्रिवेणी संगम है। हमारी आस्था, हमारा विश्वास हर उस लेख से बड़ा है, उस सोच से बड़ा है, भगवान श्री राम विदिशा आए हैं, ये हमारी बड़ी भांति बड़ी आस्था का केंद्र है। ये जोड़ा नहीं गया, नाम को जोड़ा नहीं गया वन गमन में, जहाँ पे जो भी उन्होंने शोध कराया है उसमें बहुत से स्थान ऐसे छोड़ दिए गए हैं जहाँ भगवान श्री राम पधारे हैं। रायसेन जिले में भी, हमारे जो पुरातत्वविद्ता बताएंगे आपको कि रायसेन जिले में भी ऐसा स्थान जहाँ भगवान श्री राम आए, करेला में माँ जानकी का आश्रम रहा है, ऐसे स्थानों को छोड़ा गया। भगवान श्री राम विदिशा से निकले हैं, ये आज का नहीं, हजारों वर्षों से विषय है। विदिशा जो है उज्जैन और काशी के समकक्ष नगरी है। तो विदिशा को वंचित रखा गया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? नहीं, हम प्रयास करेंगे, मध्य प्रदेश शासन से मांग करेंगे, पुरजोर मांग करेंगे, और उसके लिए हम ज्ञापन भी सौंपेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री, क्योंकि उनका विदिशा से बड़ा गहरा संबंध है और हम पूरे हक के साथ उसका इस बात को मान, बड़ा एक फैसला आया कि राम पथ गमन का जो न्यास संगठन का गठन किया, लेकिन भगवान श्री राम अपने विदिशा में चरण तीर्थ धाम से जाने जाते हैं, लेकिन उनका जिक्र नहीं किया गया उसमें, इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया आपकी? केंद्र सरकार द्वारा राम वन पथ गमन निर्धारण हेतु एक समिति बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है। और
विदिशा की दृष्टि से ये निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी जनमानताएं हैं, जनश्रुतियां हैं और कई पुराणों में भी इस बात का उल्लेख है कि राम विदिशा आए। यह हो सकता है कि राम वन पथ गमन समिति जो है उसके विद्वानों को वन जाने के जो रास्ता है उसमें विदिशा का उल्लेख उनको ना मिला हो, पर यह तय है कि राम अपने जीवन काल में एक नहीं दो बार विदिशा आए। पहली बार राम जब लंका विजय के बाद आए, राज्याभिषेक उनका हुआ, तब साधुओं ने पंडितों ने उनको ये जानकारी दी कि चूँकि पिता के मृत्यु के समय आप यहाँ नहीं थे, आपने तर्पण नहीं किया है, क्योंकि अंत्येष्टि में आप शामिल नहीं हुए हैं, तो उसका शुद्धि के लिए आपको तर्पण करना पड़ेगा। और वो तर्पण अकेले इलाहाबाद या हरिद्वार से नहीं होगा, जितने हमारे तर्पण के क्षेत्र हैं सब जगह आपको जाना पड़ेगा। तो उसी क्रम में वो पुष्कर जी भी हमारे यहाँ एक बड़ा पवित्र है, तो वो अयोध्या से चित्रकूट और चित्रकूट से पुष्कर जाते हुए उड़ीसा पैसे निकले। और यहाँ चूँकि ऋषि का आश्रम था, चिमन ऋषि का आश्रम, जो यहाँ उन्हें जानकारी मिली तो वो चिमन ऋषि से मिलने भेंट करने वहाँ आए और उसी घटना की स्मृतियों को लेकर यहाँ पर एक चरण तीर्थ का स्थान है। सैकड़ों सालों से जन मानता है कि ये भगवान के चरण यहाँ पड़े हैं और ऋषि चवन के तो का आश्रम ही था, तो चरण तीर्थ के नाम से वो लगातार सैकड़ों सालों से तो जनश्रुतियों में है ही कि वो चरण तीर्थ। आप क्या प्रयास रहेगा, आप साहित्यकार हैं, जानकार हैं साहित्यकार, मतलब इतिहास? अब मेरा एक प्रयास ये हो सक रहेगा, और मैं सोच भी रहा हूँ, मैंने फेसबुक पोस्ट भी लिखी है, ठीक है, मुख्य राम पथ वन गमन तो वो चित्रकूट से सतना और वहाँ से होते हुए मैयर होते हुए जबलपुर अमरपाटन से नागपुर और नासिक का मान लिया है इन्होंने, तो कम से कम राम का पथगमन तो माने इसको, ये प्रमाण तो है, बहुत बढ़िया, बन के ना जाने के नहीं है, तो राम के निकलने के तो है, राम तो हमारे आराध्य हैं, तो बन जा रहे थे तब भी आराध्य थे, और विकास करे सरकार, आवागमन के साधन सुलभ कराए, इनको तीर्थ क्षेत्र का दर्जा मिले, उड़ीसा को तीर्थ क्षेत्र का दर्जा मिले, राम छज्जा को मिले, सीता तलाई को मिले, जामबंत की गुफा को मिले, ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो, प्रशासन का भी भला है, आवागमन का साधन बढ़ेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। मैंने भी आपके माध्यम से भी सुना है, आज दैनिक भास्कर में भी समाचार है, अन्य समाचार पत्रों में भी ये समाचार है, श्री राम वन पथ आयोग का गठन सरकार करने जा रही है, उसमें मैंने जो मैप देखा है उस मैप में विदिशा का उल्लेख नहीं है उस नक्शे में, जबकि विदिशा की पौराणिक मान्यता है, हमारे धार्मिक क्षेत्र के लोग, हमारे जो विद्वान हैं जिनको विदिशा के इतिहास की जानकारी है, उनको यह पता है कि विदिशा भगवान राम आए थे, और जब वो आए थे तो उनके जब चरण पड़े थे तो उसको हम चरण तीर्थ के नाम से जानते हैं, ऐसा विदिशा के लोगों की मान्यता है। और कई ऐतिहासिक जो हमारे पुस्तकें हैं उसमें भी इस बात का उल्लेख है, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आखिर कहाँ हमारे जो प्रदेश के इतिहास के जानकार लोग हैं, धार्मिक क्षेत्र के जानकार लोग हैं, उनसे कहाँ यह चूक हुई कि विदिशा का उसमें उल्लेख नहीं है। मैं आपके माध्यम से प्रदेश की सरकार से, संस्कृति विभाग से यह प्रार्थना करूँगा कि कृपया यह जो राम पथ गमन जो निगम बनने जा रहा है, इसमें कृपा करके विदिशा का भी उल्लेख किया जाए, जिससे विदिशा के धार्मिक सांस्कृतिक जो लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, उनका सम्मान उसमें बना रहे, ऐसी मैं प्रार्थना हमारे संस्कृति विभाग से और प्रदेश सरकार से करूंगा। ग्राम ठर में श्रीमद् भागवत कथा से पूर्व भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में धर्मप्रेमी महिलाएं शामिल हुईं। भाजपा नेता मनोज कटारे भी पहुंचे, जहां उनका फूलमालाओं से स्वागत भी हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
पर सदा सूट हर का यहाँ पर जो भागवत कथा हो रही है, कहाँ हो रही है, किन के माध्यम से हो रही है? ये भागवत कथा अपने ठहर हाई स्कूल के ग्राउंड में हो रही है और सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग से हो रही है। उन कथावाचक कौन है? कथावाचक सारंगपुर से आई हैं सुश्री दीदी कविता शर्मा। ये आज ही से प्रारंभ है, 11 तारीख तक प्रारंभ रहेगी। कलश यात्रा थी आज? कलश यात्रा है। कार्यक्रम में कौन आया अभी? इस कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता आदरणीय भाई साहब मनोज कटारी जी आए। पठारी हवेली निवासी एक आदिवासी परिवार पिछले 6 माह से बंधक की स्थिति में था। उन्होंने बताया कि यहाँ ईंट भट्टे पर कार्य कर रहे थे, जैसे तैसे बाहर निकले हैं। श्रम विभाग में शिकायत की गई। पीड़ित परिवार ने अपनी व्यथा बताई। मनोज सहरिया हूँ। कहाँ के रहने वाले आप? मैं पठारी हवेली विदिशा का हूँ जी। आज यहाँ पर काय किया है? मैं सर श्रम विभाग आया था सर। एक वकील साहब ने कहा कि श्रम विभाग चले जाओ तो वहाँ पे आपकी कार्रवाई हो जाएगी। तो श्रम विभाग के अधिकारियों ने मेरे परिवार को मुक्त कराया। मैं दुखते दुखाते आया था। कैसे, क्या, किसने बंदू का मजदूर बनाया था? जी सर रोहित धाकड़ हैं, उनने बंदू कर रखा था। ये दोपहरिया में। दोपहरिया में तो क्या काम करने के लिए गए थे आप? ईंटें बनाने के लिए। कितने दिन तक काम किया आपने? 6 महीने करा। 6 महीने। पैसे दे दिए? पैसे नहीं दिए, पैसे रुके हैं अभी 50,000 रुपये। कितने से लोग थे आप? हम सर 6 लोग थे, मैं बच्चे से। आप काम करने कहाँ गए थे? दोपहरिया। और रहने वाले कहाँ के हो? पठारी हवेली विदिशा। भगवान गौतम बुद्ध जयंती वैशाली विहार स्थित कबीरपंथी समाज की धर्मशाला में मनाई गई। समाज बंधुओं ने दी जानकारी। शांति और अहिंसा के दूत भगवान बुद्ध को नमन। बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई। आज हमारे भगवान श्री बुद्ध जयंती है और हमारे कबीरपंथी समाज विदिशा द्वारा वरिष्ठ समाज सेवक वैशाली नगर विदिशा में बुद्ध भगवान की मूर्ति जो स्थापित है पहले से, उसमें हमने बुद्ध जयंती मनाई गई। सभी समाज हमारे उपस्थित थे और प्रसादी बांटकर खीर वितरण किया गया। बालकृष्ण कबीरपंथी है। आज हमारे समाज के द्वारा कबीर गौतम बुद्ध भगवान की जयंती मनाई गई है। उसका मुख्य आयोजन हमारी दीदी भोपाल से आई हुई सरोज कबीरपंथी के द्वारा आज प्रसादी वितरण किया गया है। भोपाल से पधारी है, उन्होंने सभी समाज के लोगों को इकट्ठा किया और भगवान गौतम बुद्ध के उस पे सुरेश कबीरपंथी आदि भक्ताओं ने अपने जी। आज वैशाली नगर कबीर मंदिर में बुद्ध जयंती के शुभ अवसर पर हम सभी कबीरपंथी समाज के समाज बंधुओं द्वारा कभी बुद्ध पूर्णिमा के दिन प्रसाद वितरण और बुद्ध जयंती के पूजन अर्चना करके अनुग्रहित किया सभी के लिए समाज बंधु द्वारा। शुक्रवार की देर शाम को पटवारी संघ परिवार जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां कलेक्टर के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन के अधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से पटवारी संघ ने अपनी समस्याएं जिला प्रशासन के समक्ष रखी। जिला अध्यक्ष ने दी जानकारी। जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिला विदिशा। आज हमने प्रदेश के आह्वान पर जो हमारी काफ़ी समय से लंबित मांग है 2800 ग्रेड पे के संबंध में आज ज्ञापन दिया गया। ये ज्ञापन जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास को ये बताने के लिए दिया गया कि जो पिछले 20 सालों से हमारी एक लंबित मांग चली आ रही है 2800 ग्रेड पे की, उसके संबंध में उसका निराकरण करें और 2800 ग्रेड पे हम लोगों को दिया जाए। और अभी वर्तमान में
129 के तहत संशोधन करके हम लोगों से सीमांकन का कार्य भी कराया जा रहा है, और सीमांकन आजकल टेक्निकल काम है जो कि मशीन से किया जाता है। उसके संबंध में जब सीमांकन टेक्निकल कार्य हमसे कराया जा रहा है तो समान कार्य समान वेतन के उद्देश्य को लेते हुए 2800 ग्रेड पे हमें दिया जाना चाहिए, इस संबंध में आज ये ज्ञापन दिया। पटवारी संघ विदिशा के पटवारियों ने यहाँ पे ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री जी के नाम पे, समान कार्य समान वेतन के लिए। जो वो कलेक्ट्रेट विदिशा में आए थे तो यहाँ पे उन्होंने ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को, उनका ज्ञापन मैंने ही लिया है और मैं उसको पहुँचा रही हूँ। ग्राम धनोरा बेरखेड़ी में दो पक्षों में आपस में विवाद होने पर सुबह फायरिंग भी हुई। वहीं बताया गया कि इमरान जो कि जलावदर था उसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। सिविल लाइन TI योगेंद्र सिंह द्वारा कानूनी कार्यवाही की बात की गई। विवाद की घटना में शामिल लोगों की जांच में पुलिस जुट गई है। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि दो परिवार आपस में झगड़ा कर रहे हैं, जिसमें गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी कि गोली किसी व्यक्ति द्वारा गोली चलाई गई है। मौके पर जाकर वहाँ देखा तो एक रिजवान के घर के दरवाजे के बाहर 12 बोर के छर्रों के निशान हैं और कुछ छर्रे भी और खाली कारतूस भी हमें वहाँ से मिला है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर अभी इस आरोप में हैं कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गोलियाँ चलाई। घटना स्थल पर एक खाली कारतूस 12 बोर का और छर्रों के चले हुए छर्रे हमें कुछ मिले हैं वहाँ पर। अभी दोनों पक्षों में से एक पक्ष से चार लोग हैं जो मेडिकल शासकीय अस्पताल में मेडिकल के लिए गए हैं और दूसरे पक्ष से एक व्यक्ति हसीन खां वो अभी उपचार के लिए गए हैं और उपचार के उपरांत फिर जैसे ही उनको चोट होगी तो इससे इसकी पुष्टि हो जाएगी कि गोली चली है अथवा नहीं। सर जो अपराधी जिसने फायरिंग की है जिला बदर है उसके बारे में? हाँ, प्राप्त जानकारी के अनुसार इनका कहना है कि इमरान वहाँ आया था, वो वर्तमान में जिला बदर चल रहा है और हिसाब से उसका कार्रवाई। ताज़ा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा DDCNT न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। इतना ही, शहर की ताज़ा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर EMG न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताज़ा तरीन खबरें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे आप रहे हर खबर सकती।